हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम? जबरदस्त टाइम है ना, सभी टेंशन में। ना ना ना, टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं ना, बताऊंगा अभी। जो बायोलॉजी में 360 में 360 ही लाना है, ऐसा करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। स्कोर 360 में 360 आएगा, तो आप एकदम ध्यान दो क्या करना है मुझे। कहते हैं नहीं, एक्चुअल में है एनसीईआरटी बाइबल। हाँ, यही सब कुछ है एनसीईआरटी। उसका लाइन बाय लाइन ध्यान रखना, वर्ड बाय वर्ड ध्यान रखना एनसीईआरटी का। तो इसमें बहुत सारे बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखो। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड, अभी ये सब बात बहुत लगता है। कैसे रिविजन करें, क्या करें, तो ध्यान रखो। सबसे पहले अपना सेल्फ डाउट को क्लियर रखना चाहिए। जो है आप एकदम उसको लिख ले, जो डाउट है, या तो जहां भी आप रह रहे हो, मे बी फैकल्टी से कांटेक्ट है, तुरंत क्लियर करें जो भी करना है, या जैसे भी आपको करना है उसको जो लिख ले, क्योंकि याद नहीं रहता। एकदम एक डाउट का एक छोटा सा कॉपी रहना चाहिए, उसमें फटाक लिख ये प्रॉब्लम है मुझे। अवॉइड डेविएशन, डेविएशन बहुत आता है इस वक्त, एकदम डेविएशन नहीं, एकदम सोचना है। हौसला बुलंद है, गगन छूने वाले हैं, एम्स में, दिल्ली में झंडा गाड़ने वाले हैं। एकदम डेविएशन नहीं होना, एकदम सोचना हम हैं बस, दूसरा कोई नहीं, तो डेविएशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंट रिवीजन, हाँ, किसी चैप्टर को लेके बार बार ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, एकदम फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है कूल माइंड से। जो पुरानी बातें भी याद आती जाए, देन मॉक टेस्ट। यस, मॉक टेस्ट जरूरी है सेल्फ इवोल्यूशन के लिए। आपको सेल्फ इवोल्यूशन के लिए मॉक टेस्ट जरूरी है, तभी तो आप सेल्फ इवोल्यूट कर पाएंगे। कौन सा चैप्टर आपका वीकर सेक्शन है, उस चैप्टर को बार बार देखेंगे। देन पीवाईक्यू एनालिसिस, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कितनी सारी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप उसको भी प्रॉपर एनालाइज करो। Then, देखो कुछ सेक्शन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप उससे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। अभी बार बार ढूंढते रहते हो कहां कितना क्वेश्चन पूछा गया, नहीं, मैं टेबल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो जेनेटिक्स से मैंने एनालिसिस किया, बहुत सारे क्वेश्चन है। प्लांट फिजियोलॉजी, ये इकोलॉजी, ये तीनों मोस्ट हॉट टॉपिक कहा जाए, एकदम आना ही आना, ढेर सारे क्वेश्चन आने हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यस, इससे भी बहुत सारी क्वेश्चन हैं। बायोटेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, मतलब ओवरऑल डायवर्सिटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम मिला के। देन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, इतने सारे हैं। देखिए मैंने एकदम टॉप में रखा, उसके बाद धीरे सो ऑन, आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश करें। देन रिविजन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने किया है जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, एवरेज दिस वन एंड ये ऑल अदर टॉपिक्स। तो एवरेज में भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता, ऐसा नहीं, आपकी तो तमन्ना 360 है, 360 आउट ऑफ 360, तो तमन्ना को पूरा करने के लिए हौसला जज्बा भी होना चाहिए। हाँ, जज्बा होगा, आप तो एकदम डेवलप करो जज्बा, जो गलत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से एक लाइन बाहर आना ही नहीं है। तो ये, देन आपकी जूलॉजी की बात, ठीक है, जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपको ढंग से करना है, बायोमोलिकल्स, देखे क्वेश्चन का पैटर्न, कितने सारे क्वेश्चंस कैसे पूछा गया है, एनिमल किंगडम, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। ठीक है, एनिमल किंगडम का आपको जूलॉजिकल नेम ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन आना फिक्स है। ये सब बात एकदम ध्यान, किसी लास्ट के लिए नहीं रखें। बहुतों का मन होता है लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, नो नो नो, वो लास्ट कभी नहीं आता। जैसे कभी सोचते फिर भूल जाता माइंड से ना, समझे, तो मन हमें सोचता कल के लिए, नहीं नहीं, काल करे सो आज करे सो अब, एकदम ये तमन्ना रखनी चाहिए, ये हौसला रखना चाहिए, कभी नहीं कल कर लेंगे, एकदम नहीं होता, एकदम ध्यान रखेंगे। मैं भी डेट का, सीएसआईआर का,
मैं भी ऑल इंडिया टॉप रैंक का हूँ, तो एकदम ध्यान रखना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए कि कैसे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी तैयार होना चाहिए, ये बात को एकदम ध्यान रखे। देन थोड़ी सी जो जूलॉजी का भी है, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, अदर टॉपिक्स, एकदम ध्यान रख के फटाफट रिविजन करते जाए, एकदम समय नहीं बर्बाद करना है। मोटिवेशन, हाँ वो इस वक्त जरूरी है। कहीं आपका तो लगता होगा जो इनसे बातें करके अच्छा लगता है, 5 मिनट बात कर सकते हो, मम्मी पापा जो भी होगा आप बात कर सकते हो, जो आपको मोटिवेट कर सके। ऐसे से आप बात मत करो जो डिमोटिवेट करे। बहुतों के साथ होता है, नहीं नहीं पता नहीं क्वेश्चन टफ आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा टफ, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही रहेगा ना, कैसे टफ होगा, जब क्वेश्चन एनसीईआरटी से है टफ कैसे होगा। बस सेल्फ मोटिवेटेड रहो, एकदम हम हैं, बस हम हैं। देन आपको ध्यान रखना चाहिए जो नो नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इस सबको अवॉइड करना चाहिए। दिन भर कभी होता है नेगेटिव थिंकिंग, दिन भर बर्बाद हो जाता है, रात में भी शाम में आप टेंशन में आ जाते हो, आज मैंने बर्बाद कर दिया ना बाबा, बर्बाद नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। याद करो जब तीर निकालना था तो उसको चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही थी, गोल दैट इज। बस एक ध्यान रखना है जो हमें गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, व्हाई नॉट दिल्ली एम्स, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं एम्स के टॉपर भी हो सकते हैं, ऐसा क्या, सब ह्यूमन बीइंग ही करता है, दम जज्बा हौसला बुलंद रहना चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान रख के आप, एक बात, टाइम मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं एक चैप्टर के लिए पूरा दिन लगा दिए, नहीं नहीं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, यू शुड मेंटेन। आपको एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए कितना देर किस पे देना है, अब टाइम ये नहीं रिकॉर्ड बनाने में पूरे दिन लगा दो, फटाफट रिकॉर्ड बना के उसको एकदम मेंटेन करना है, जो डाउट हो एक क्वेश्चन में लिखते, मतलब एक कॉपी में लिखते जाओ, छोटी सी कॉपी में, हो सके उसको क्लियर कर लो, जैसे भी क्लियर करना, जो भी टीचर के कॉन्टेक्ट, जैसे भी क्लियर करना क्लियर कर लो, ऐसा नहीं वो डाउट अभी आया है फिर वो एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए आप एकदम टेंशन में आ जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करना, यू शुड मेंटेन मेंटेन मेंटेन। तो ये टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। फाइनली आप MBBS स्टूडेंट हो गए, 360 आपके बायोलॉजी हाथ में है, और आपके जयघोष आपके कदम चूमेंगे, जयघोष आपके कदम चूमेंगे, रैंक होल्डर हो गए, दुनिया आपकी फोटो को देखेंगे। ऐसा जज्बा रखना चाहिए 3 घंटे में इतिहास लिखना चाहिए। अरे इतिहास तो 3 घंटे में लिखा जाता है, इतिहास तो 3 घंटे में लिखा जाता है, सिर्फ तारीख आनी बाकी रहती है, वो किस दिन आता, जिस दिन रिजल्ट पब्लिश होता, रिजल्ट पब्लिश के दिन इतिहास नहीं लिखा जाता, इतिहास वही 3 घंटे 20 मिनट में रच डालो इतिहास, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड लेके इतिहास को रच डालो, और फाइनली अच्छे करो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, बस यही मेरी दुआ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।